150 ml के पत्र थे। और चाचा जी ने परमात्मा धन्यवाद करी और चाचा ने सुबह टाइम पर रात को ऐसे खाना पीना खाया और सो गया। 4 बजे उठा खड़ा, 3 बजे तो चाचा का प्रेशर नहीं, पर एक बार प्रेशर बन गया तो प्रेशर नहीं बन लेटरिन का, प्रेशर नहीं बना क्योंकि दर्द बहुत खतरनाक, पत्र का दर्द बहुत खतरनाक होता है, तो दर्द बहुत खतरनाक हो चलते रहा। अच्छा तो उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन करा, उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन करा कि डॉक्टर साहब वहीं घनसाली में ये डॉक्टर साहब तुरंत आ जाओ। तो चाचा ने फ़ोन किया तो पत्र डॉक्टर है, तो उन्होंने डॉक्टर बुलाया तो डॉक्टर बोले भाई आपके 2-3 घंटे की मियाद है, सिर्फ 3 घंटे की मियाद है बचने की उम्मीद, 3 घंटे दे रहा है बच सकते हो। तो आप उन्होंने क्या करा, हमारे चाची ने, मेरे बोले बारे ने, अन्ना चोर ने क्या करा, भाई ने उठाई गाड़ी, परमात्मा तेरा धन्यवाद मैं तो जा रहा ठीक, तो ठीक करेगा भाई, तो सांस कर चलिए गाड़ी स्टार्ट कर। जब उसे जब उसने रस्सी केस में कभी गाड़ी नहीं चलाया, उतना यहाँ टी रस्सी उधर कभी कभी गाड़ी नहीं लाया ठीक, वो चलाता था अपने लोकल मार्केटों में, मंचूरी हो गया तुम्हारा, घनसाली हो गया, चमेला क्षेत्र हो गया, छत जाता था। पर उसने पहली बार अपने कमांड रूम स्टार्ट करे और बैठा गया और सीधे रिस्के चलाया जूरी ग्राउंड में। अब जूरी ग्राउंड में आ गया तो शाम को चाचा के मेरे पास फोन आ गया, इतना बड़ा चाचा के फ़ोन आया। अच्छा चाचा कैसे फ़ोन आया, तो परमात्मा का चाचा ने बोला कि मैंने बोले आप कैसे हैं, बोला घर में सब ठीक ठाक और बढ़िया, बोले मेरे को हो गए पथरी, चाचा से डायरेक्ट बोले मेरे को हो गए पथरी। और मैंने बोला परमात्मा तेरा धन्यवाद कि मेरे चाचा की पथरी नहीं है, मेरे पास चाचा पथर तो गायब हो गया ठीक है, और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे चाचा के अंदर तो कोई पथरी नहीं है ठीक है। अब 150 ml की पथरी कितना बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है ना, 150 ml की पथरी कितना बड़ी, बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी। तो परमात्मा ने ऐसा काम किया, तो जैसे मैं चाचा ने फ़ोन किया, मैंने बोला चाचा क्या, मैंने चाचा को क्या याद बनाया, इस डॉक्टर ने तो 3 घंटे का टाइम दिया, इसने तो 3 घंटा। अब भाई ने गाड़ी स्टार्ट किया 5 बजे और 4:30 बजे स्टार्ट किया, 5 बजे स्टार्ट किया गाड़ी और उसने चाचा को दर्द की दवाई दिया कि दर्द रुक जाएगी ठीक है, और दर्द नहीं रुका ठीक है, दर्द उतना ही हो रहा। अब शाम को पाँच बजे चले और 8:30 बजे जूली ग्राउंड में गाड़ी खड़ी कर दिया। अब जूली ग्राउंड में चला गया, अब जूली ग्राउंड चाचा का फोन आ गया रात को शाम को 5 बजे कि बेटा ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम है और मेरे को ठीक नहीं हो पा रहा, मेरे दर्द बहुत। तो मैंने चाचा क्या बोला, क्या तू परमात्मा को नहीं जानता है, क्या तेरे परमात्मा ने क्या आपका जीवन में काम नहीं किया, बोले काम किया। तो चाचा के मुँह से तो बिल्कुल आवाज़ भी नहीं आ रही थी, बोले मैंने डर उनको याब से हड़का दिया, मैं तरीके से बोला क्या तुमको परमात्मा का डर नहीं है कि तुम मनुष्य से डर रहे हो, तुमको परमात्मा का डर होती है तो तुम डॉक्टर में तुम्हारे फतरी तो कभी कट जाती, लोगों के फतरी तो पेशाब के द्वारा निकले बाहर, क्या तुम्हारी फतरी क्यों नहीं निकले बाहर, इतना बोला। अब रहा तो क्या हो गया, मैं घर आया, मैंने घर वालों को बोला ऐसे पूरा बोला चाचा को और प्रार्थना करते हम ठीक है, प्रार्थना करिए। तो मैंने बोला परमेश्वर पिता मैं तो देख रहा हूँ तो मेरा चाचा जी तो बहुत अच्छा हो चुका है ठीक है, और मैं अंगीकार क्या लगा परमेश्वर पिता मैं देख रहा हूँ चाचा जी तो बहुत अच्छा हो चुका है ना, ये मैं ये विश्वास करूँगा कि मेरे चाचा के अंदर कुछ भी पथरी नहीं है और परमात्मा तेरा धन्यवाद से कोई पथरी नहीं है ठीक है, मैं तो यज्ञकार कर रहा हूँ। तो शाम को भी आया, फिर शाम को फिर सुबह प्रार्थना किया, शाम को किया, फिर रात को क्या हो गया, प्रार्थना करने गया और जैसे प्रार्थना करके गया मैं तो मैंने पता क्या लगाया, परमात्मा बता अब मैं क्या बताऊँ ठीक है, और चाचा अन्य भाषा में बार बार प्रार्थना टाइम पर बार बार दिखाई दे रहा, बार बार दिखाई दे रहा। मैंने बोला परमात्मा क्या बता, क्या भाई मेरे को क्यों दिखा रहा, क्या योजना है तेरी, मन पिता आप मुझे बताओ मैंने क्या करना है यहाँ पे ठीक है, मैं तो प्रार्थना तो कर रहा हूँ आपके लिए पर अब इससे अलावा क्या करना होगा मुझे ठीक है। तो जैसे मैंने प्रार्थना करी ठीक है और प्रार्थना करी और चाचा को सीधे फ़ोन दिखाई, मेरा फ़ोन दिखाया और चाचा दिखाया, तो मैंने परमात्मा ये फ़ोन तो आप दिखा रहे हैं और चाचा भी दिखा रहे प्लस फोन भी दिखा रहे हैं चाचा को भी दिखा रहे, योजना क्या है और काम क्या आपका है, और सीधे मन में डाल दिया कि सीधी चंगाई थी, इसके मुंह से कुछ नहीं आवाज़ आ रही ठीक है, सीधे ऐसे बोला आवाज़ कुछ नहीं बिल्कुल वैसे धीमी आवाज़ आ रही सा बिल्कुल नॉर्मल से, मतलब मसीद पीट रखे आदमी और
आवाज़ बिल्कुल ऐसा आवाज़ बिल्कुल धीमी आवाज़ आ रही। तो स्पीकर खोला तब फोन चंगाई दिया, ठीक है। तो रात को चंगाई दिया और मैंने परमेश्वर पिता ये मुख बन के चंगाई दे रहा हूँ, आपके मुख के द्वारा चंगाई आपका अधिकार दे रहा हूँ। आपका आपने हमको क्या ये अधिकार दिया चंगाई का, आपने वरदान दे रखा, अधिकार दे रखा। तो उस अधिकार को आपने जैसे आपने मेरे मन में शब्द डाला है चंगाई का, वैसे उनका भोलम भी स्पीकर भी आपने खोल दिया सीधी मुँह के द्वारा। परमेश्वर का तेरा धन्यवाद। इनका कान इनका भोलम खोल पहले सब, फिर इनका सुनने वाला जो मन है ना पहले खोल। तो पहले वैसे फोन पे चंगाई दिया और जैसा शाम को जैसा उसी टाइम चंगाई दिया और सुबह चाचा को बोला, तीसरा दिन हो गया था, तो डॉक्टर तुझे कल सुबह छुट्टी देगा। और डॉक्टर आया और डॉक्टर ने देखा चाचा पथरी के थैली के तरह पेशाब, जो कि पेशाब मिलता बोली और सीधी 150 ml के पथरी से पेशाब सीधी उसमें बाहर आ गया सीधी, और चंगाई दिया रात को और सुबह पथरी क्या हो गया गायब हो गया। तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा काम करो 15 दिन की दवाई ले जाओ और 15 दिन बाद तुम्हारा ऑपरेशन होगा, ठीक। मैंने बोला चाचा जी, अब मैंने चाचा को याद तो बढ़ा दिया। उस टाइम सुबह चाचा फोन किया 9 बजे कि चाचा जी कहाँ है, बोला बस मैं गाड़ी में बैठ गया, मैं डॉक्टर से दवाई दे रहे हैं डॉक्टर, मैं बस हम तैयार होने घर जा रहे हैं। मैंने परमात्मा तेरा धन्यवाद, बहुत अच्छा हो गया मेरे चाचा जी, क्या हो गया आपने अच्छा काम कर दिया, है ना। तो आप जैसा विश्वास काम करता है, जैसा मतलब हमारा मन है ना, तो जैसे काम के, तो अब मैंने चाचा को बताया। तो तुझे जोली ग्राउंड में डॉक्टर पता, सुनो जोली ग्राउंड पता क्या कर रहा है, डॉक्टर कह रहा है कि तेरा कौन से जो है जो जिसने तुझे एक रात को ही, तो तू कल तो एडमिशन होया और तीसरे दिन तू घर हो गया, तेरा हफ्ता का टूर कभी नहीं लगा, तो एक मशीन ही पेट रखा मैंने तेरा, कम से कम 2.5 दिन के अंदर तेरे के अंदर घर जा रहा, तू 2.5 दिन का तीसरे दिन में तू घर जा रहा। तो दवाई 15 दिन की दवाई दिया और दवाई खाना और ऑपरेशन हो। फिर चाचा को घर आके घर आया, फिर चाचा को फ़ोन किया, चाचा ऑपरेशन नहीं होगा, गारंटी ले ले, परमात्मा कह रहा गारंटी चाहिए, ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे बताया तुरंत ऐसा काम हो गया। तो आप वहाँ पे उसके ना एक लड़की थी ना, एक बहू थी,